आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। संस्था नमो नवग्रह शनि के तत्वावधान में विगत 15 सालों से महाशिवरात्रि पर बाणगंगा क्षेत्र से निकलने वाली महाशिवरात्रि की धार्मिक यात्रा को लेकर एक विशाल बैठक का आयोजन बाणेश्वर कुंड बाणगंगा पर रखा गया। बैठक में यात्रा संरक्षक पूर्व पार्षद के यादव की उपस्थिति में यात्रा को धार्मिक उत्साह और जोश खरोश के साथ निकालने का निर्णय लिया गया। यात्रा में अन्य झूठा नहीं छोड़ने के संकल्प के साथ ही स्वच्छता एवं बेटी बचाओ सहित अनेक सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे। यात्रा संरक्षक के यादव, शिवम यादव एवं अमन सुन्ना यादव ने बताया कि यात्रा बाणेश्वर कुंड बाणगंगा से प्रारंभ होकर मरीमाता चौराहा गणेश मंदिर पर समाप्त होगी। यात्रा का मार्ग में 101 से अधिक मंचों में स्वागत होगा। यात्रा में भजन मंडलियां भजन प्रस्तुत करती हुई चलेगी। यात्रा में 4 ऊंट और 4 घोड़ी घाट पर नृत्य करते हुए सभी के आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं भोलेनाथ का स्वरूप धारण किए हुए कलाकार एवं भूतों की टोली महाशिवरात्रि के आनंद को दुगना करेगी। इस बार यात्रा का विशेष आकर्षण आदिवासी नृत्य रहेगा, जिसमें आदिवासियों की टोली नृत्य करते हुए भक्ति भाव से मनमोहक प्रस्तुति देते हुए चलेगी। यात्रा में नासिक के ढोल मंजीरे के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी भी रहेगी। यात्रा को लेकर रविवार को माणेश्वर कुंड पर आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए। बैठक के पश्चात सहभोज का आयोजन भी किया गया। आज बैठक में मुख्य रूप से हिमांशु यादव, परवेश यादव, आनंद यादव, रामपाल, रमेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में संस्था कार्यकर्ता उपस्थित थे। और सत्यमय ज्योति द्वारा विगत 15 वर्षों से इस क्षेत्र में एक विशाल ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाती है महाशिवरात्रि के पर्व पर। उसी संदर्भ में आज उस यात्रा को सफल बनाने के लिए एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कई तरह की समितियां बनाई यात्रा को सफल बनाने में, और उसी के लिए मीटिंग का आयोजन रखा गया था। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये यात्रा बाणगंगा कुंड से प्रारंभ हो गए और मरी माता चौराहे पर समाप्त होगी। यात्रा का स्वरूप करीब 2 किलोमीटर लंबा रहता है। यात्रा में कुछ सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे? यात्रा में सामाजिक यही स्वच्छता और झूठा ना छोड़ने के लिए संदेश दिए जाएंगे, जिसके लिए हमने एक झांकी भी बनाई है जो यात्रा में शामिल रहेगी। और क्या कुछ विशेष आकर्षण है यात्रा पर? 9 झांकियाँ रहेंगी यात्राओं में। एक राष्ट्रीय झांकी रहेगी और 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी रहेगी, सीता राम सीता की झांकी रहेगी, गणेश भगवान की झांकी रहेगी। ऐसे कुल मिला के 11 झांकी रहेंगी। अखाड़े रहेंगे, ताशे रहेंगे और जोरदार आतिशबाजी करके ये यात्रा को सफल बनाया जाएगा और 101 मंच से इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज।